एवरीवन वेलकम बैक टू मंथ के बाद हम हाजिर है एक और वीडियो में। अब आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट ट्रिपल आर एंड आरसी 15। अब देखिए शंकर साहब एंड कंट्रोवर्सी गो हैंड इन हैंड और अब तो ऐसा लगने लगा है कि शंकर साहब हैं जहां कंट्रोवर्सी है वहां, और फिर से कंट्रोवर्सी उनका पीछा करते करते उनकी एक और फिल्म तक पहुंच चुकी है। अब इससे पहले इंडियन 2 में जो झमेला हुआ था लाइका के साथ हाईकोर्ट में, वो सब हम जानते हैं कि बहुत बड़ा मैटर हो गया था वो। उसके बाद फिर उन्होंने नेक्स्ट फिल्म अपनी जो अनाउंस की थी अपरिचित की रीमेक रणवीर सिंह के साथ बॉलीवुड में पैन इंडिया लेवल पे, उसके साथ भी अलग प्रोड्यूसर का झमेला हुआ था, वो सब भी हम जानते हैं। अब उनकी एक और फिल्म यानी कि द मच अवेटेड फिल्म ऑफ शंकर साहब एंड रामचरण जो है आरसी 15, वहां तक भी कंट्रोवर्सी पहुंच चुकी है और इस बार फिर से एक बार लीगल ट्रबल में फंसते हुए दिख रहे हैं शंकर साहब, क्योंकि इस पे भी जो है वो कॉपी करने का इल्जाम लगा है। कॉपी क्या, प्लेजरिज्म का इल्जाम लगा है इस पे। और अपेरेंटली कहा जा रहा है कि कार्तिक सुब्बाराज जो कि इसमें असिस्ट कर रहे थे, उनको इन दोनों का स्क्रिप्ट वर्क में, दोनों शंकर साहब एंड कार्तिक सुब्बाराज दोनों का हाथ था, उनका जो एक एसोसिएट है उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि भाई ये जो स्क्रिप्ट है हमने लिखी थी जो कि अपेरेंटली शंकर साहब एंड विजय की फिल्म थी उसके लिए लिखी थी, अब उसका बिना हमसे पूछे उन्होंने ले लिया है और उस पर वो फिल्म बना रहे। तो ये सब पूरा कंट्रोवर्सी झमेला चल रहा है। अब देखें लाइका के साथ तो जो मैटर हुआ था उसमें उनको गो हेड मिल गया तो वहां से बच गए। अनियन 2 वाला भी मामला जो है वो अभी तक शांति है, क्योंकि उसके बाद शंकर साहब का भी स्टेटमेंट आया था और काफी बोल्ड स्टेटमेंट आया था, तो वो भी शांत होता दिख रहा है। होप करेंगे कि ये भी शांत हो जाए, क्योंकि आरसी 15 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर गोइंग इनटू फ्लोर्स, क्योंकि 8 तारीख से उसका मुहूर्त है और हो सकता है पहला शॉट भी उसी दिन हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक यानी कि 14-15 तारीख तक वो शुरू हो सकती है या फिर उससे पहले भी शुरू हो सकती है। 8 को भी चांसेस हैं कि पहला जो टेक है वो उसी दिन ले लिया जाए, तो बहुत एक्साइटिंग टाइम्स हैं। और इस समय ये कॉन्ट्रोवर्सी का आना एक थोड़ा सा फैंस के मन में थोड़ा बेचैनी और डर जो है वो माहौल पैदा करता है, तो होप करेंगे कि सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए एवरीथिंग, और 8 तारीख को जो फ्लोर्स पे जाना है बट विद अ ग्रैंड मुहूर्त सेरेमनी वो उसी तरह से जाए। और सुनने में ये भी आ रहा है कि रणवीर सिंह जो है वो ग्रेस करने वाले हैं इस पूजा सेरेमनी को, तो अब देखते हैं क्या होता है, आते हैं कि नहीं, जैसा भी होगा आपको जरूर बताएंगे। और फिलहाल आरसी 15 के लिए यही है, और थमन का म्यूजिक हम सब जानते हैं, कियारा आडवाणी लीड रोल में है, अंजलि भी हैं और बाकी शायद फहद फजील से बात चल रही है ये भी सुनने में आ रहा है, तो देखते हैं। एक्साइटिंग टाइम्स कमिंग अहेड, मोर अपडेट्स विल बी लोडिंग सून फॉर श्योर। तो आपके जो भी ख्याल है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब बात करते हैं ट्रिपल आर के बारे में। ट्रिपल आर एक ऐसा नेवर एंडिंग टॉपिक है, उसका शूटिंग जो कि शुरू होता है फिर खत्म होता है, जाता है आता है फिर जाता है फिर से वापस आ जाता है, और कुछ ऐसा ही इस बार हो रहा है। अगर आपको याद हो कुछ दिन पहले ट्रिपल आर की टीम ने एक अपडेट अपना निकाला था स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने कहा था कि शूटिंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसके बाद ही एक रील टाइप का वीडियो आया था जिसमें रामचरण एंड एनटीआर दोनों देवर जूमिंग इन देयर सुपर कार्स और वहां से निकलते हुए जा रहे थे, और अब उनको उसी स्पीड में वापस भी बुला लिया गया है। ये सुनने में आ रहा है कि एसएस राजामौली सर इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड विद सम पोर्शंस ऑफ ट्रिपल आर, जिसके लिए वो रीशूट करने वाले हैं कुछ पैचवर्क टाइप का, और कुछ सीन्स में वो और ज्यादा परफेक्शन चाहते हैं विद अ परफेक्शनिस्ट दैट ही इज, उसमें कोई शक नहीं कि वो फिर से जरूर बुला सकते हैं। और कहा जा रहा है कि लगभग 5-7 दिन का एक और शूटिंग में टाइम लगेगा अभी, और फिर से कुछ सीन्स को रीशूट करना चाहते हैं टू अचीव द परफेक्शन दैट ही ऑलवेज कार्व्स फॉर, जस्ट जगन्नाथ थिंग्स, जस्ट एसएस राजामौली थिंग्स, वो ऐसे करते रहते हैं। तो अभी देखते हैं ये कब तक चलता है, और फिर हो सकता है उसके बाद ही वो फाइनल रिलीज डेट निकाले, क्योंकि रिलीज डेट को लेकर बहुत सस्पेंस बना हुआ है ट्रिपल आर को। जनवरी का डेट सब कोई बोल रहे हैं, अब देखते हैं कब आते हैं वो। होप करें कि बहुत ज्यादा क्लैशेस में वो ना पड़े, ताकि जो कलेक्शन जो अचीव कर सकता है ट्रिपल आर वही करे। बाकी आपके इसके बारे में जो भी ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। कुछ और बात करनी, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां मैसेज कर सकते हो। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।